अभी हम पहुंच चुके हैं हानिया की नानी के घर। बच गया नहीं तो ज्यादा। मोबाइल गिर चुका है, हाथ में से स्लिप हो गया। स्वागत। तो अभी मोस्टली तो फिर वो ईदी दे ही देते थे, क्योंकि वो ऐसा रहता था दूसरे बच्चों को दे रहे होते थे, अपन देख रहे होते थे, तो फिर अपन को भी दे ही देते थे ईदी के पैसे। भाई साहब क्या 500 का नोट है। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। एक व्लॉग यहीं से एंड किया और दूसरा यहीं से शुरू कर रहा हूँ, और अभी हम निकल रहे हैं उज्जैन के लिए। फैजान हाकिम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब हम निकलेंगे और फिर वहाँ पहुँच के सीधा आपसे मिलेंगे। बकरा वाह, चलो ऊपर चलो। दोनों माँ बेटी मार रही है, दोनों माँ बेटी भी थोड़े बेहोशी की हालत में। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से नींद पूरी नहीं हुई, हमारी हालत ख़राब हुई ट्रैवल करते करते। दोस्तों अभी हो चुका है अगला दिन, हम उठ गए हैं और कल बहुत थक गए थे, हमने कल व्लॉग ही नहीं करा। गाड़ी चलाते चलाते जैसे तैसे पहुँचे यहाँ पर, नींद आ रही थी हमें गाड़ी पे ही कल, तो कल इसलिए व्लॉग नहीं करा। और अभी अगले दिन मैं व्लॉग शुरू कर रहा हूँ। और अभी यहाँ पर फरहान बैठा हुआ है, जीशान बैठा हुआ है, और ये मोबाइलों में लगे हुए हैं ना, देखो देख भी नहीं रहे हैं, मोबाइल में इतना बिजी है। और मैं चाय तो खा रहा था, और हानिया इधर रेडी हो रही है। बाकी यहाँ से बाहर का सीन देख लो, कल बहुत आंधी तूफान आए थे, कल थोड़े बहुत ओले भी गिरे थे यहाँ पे शाम के वक्त। आपको बताता हूँ, मैं ईदी के पैसे। ओह, ईदी के पैसे भाई साहब, क्या 500 का नोट है। सो कितना हो गया टोटल? 1800। तेरे पास 1000? तेरे पास कम क्यों, भेदभाव हो गया तेरे साथ? छोटा, छोटे को कम बड़े को ज़्यादा, ऐसा उल्टा होता है इसमें तो यार, छोटे को ज़्यादा मिलना चाहिए, बड़े को कम मिलना चाहिए। तेरे पास पहले के भी होंगे इसमें? हाँ, पहले के भी हैं। पिछले साल के भी मिला लिए गए इसमें? साल के तो। अच्छा, इतने कम लोगों से सलाम करना। ईदी पे क्या है, लोगों से जा जाके मिलना पड़ता है। हाँ। जाके ईदी देते लोग, जिनसे कभी नहीं मिले उनसे भी जाके सलाम कर लो। क्या हो, सही है ना? बीस बीस से ही तो, बुन बुन से तो घड़ा भरता है। हम तो बचपन में ऐसे ही करते थे भाई, ईद पे सबसे आगे मिलते थे, मोस्टली जो जेंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा मिलते थे, तो फिर वो ईदी दे ही देते थे, क्योंकि वो ऐसा रहता था दूसरे बच्चों को दे रहे होते थे, अपन देख रहे होते थे, तो फिर अपन को भी दे ही देते थे। हाँ। और हमारी हानू जानू यहाँ पर तैयार हो गई है, तो अभी हम जा रहे हैं सोनम की खाला के घर पर। अमन भाई ईद मुबारक। जाएगी जाना, चले जाओ यार, इतने प्यार से बोलते तो चले जाना चाहिए। लाड़ करते ना, लाड़ आपको ऐसी है। चलो यहाँ पे ये सोनम की खाला की शॉप है हार्डवेयर की, चलो ऊपर चलो, आराम से आराम से। ओ अद्दू भाईजान तो फोन चला रहे, तो खाला ने नाश्ता रख दिया इसके वहीं और पापड़ का। हम आए सोनम के मामू के घर। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर आते से ही सोनम के मामू के पोतों की कार में बैठ चुकी है हानिया। लास्ट टाइम हम जब फैजान की शादी का कार्ड देने आए थे तब भी बैठी थी, तो उसको याद था, तो उस यहाँ आते ही कार में बैठने की जिद करने लगी, और फिर उसको बैठाया और मज़ा आया उसको। अभी हम पहुंच चुके हैं हानिया की नानी के घर पर, और फरहान की भी नानी का घर है, हानिया का कर्जा नहीं है, हानिया की खाला का लड़का है, और वो भी आ गया क्या? हाँ, अर्श भी आ गया। हाँ।
तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं नमाज पढ़ने, मैं कपड़े वही पहना हूँ क्योंकि कल मैं कपड़े लाया नहीं, हमारा प्लान नहीं था रुकने का लेकिन मौसम भी ख़राब हो गया था रात को, और सोनम की नानी ने सोनम की अम्मी ने रोक लिया खाना खाने के लिए, तो अब खाना खा के जाएंगे। पाक साफ तो है तो ज़रूरत नहीं कपड़े चेंज करने की, पाक साफ हो तो इसीलिए इन्हीं कपड़ों में नमाज़ पढ़ने जाएंगे, और मजबूरी भी है, कपड़े है ही नहीं। पानी पी रही वो तो अभी निकल चुके हैं हम नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ पर गर्मी की वजह से ना बहुत धूल उड़ रही है। तो अभी घर आ चुके हैं नमाज पढ़ के, अभी लंच हो गया हमारा, लंच के बाद आइसक्रीम खा रहे हैं। तो अभी हमारा खाना हो चुका है, मस्त बकरे के पाए खाए, पूरी सर्दी ठीक हो गई मेरी ऐसा लग रहा है। इधर हानिया के कजन्स क्रिकेट खेल रहे हैं ग्राउंड में, खेत में, इस तरह से खुले में क्रिकेट खेले बहुत टाइम हो गया। ये देखो क्रिकेट खेल रहे हैं, यहाँ की ज़मीन इतनी सॉफ्ट लग रही है, एकदम गद्दे की तरह चल रहे हैं इस पे। तो ये वो दरगाह वाला गुलाब है ना, पूरे 12 महीने आता है। अच्छा 12 मंथ, और वो जो रेड रहता है एकदम, वो अपने यहाँ है ना, वो बस बारिश के मौसम में आता है। अच्छा तभी ये ज़्यादा आते हैं ना। ओह मैं दिख गया आपको, चलो मदरसा आता हूँ ना, मैंने जूते पहन लिए। ठीक है चलो। तो दोस्तों अब हम घर के लिए निकल रहे हैं, जा रहे हैं। चलो घर पहुँचेंगे अब इंदौर, बस डर ये है कि बारिश ना आए, अभी मौसम कभी भी ख़राब हो जाता है, अजीबोगरीब मौसम हो रहा है अभी, कभी धूप कभी छाँव कभी बारिश, कब क्या हो जाए पता ही नहीं चलता। यहाँ से भी एक रास्ता बनाया हुआ है जाने का, और ये तो है ही। चले अल्लाह हाफिज़ कर दो सबको। आपने इसका क्यों निकाल दिया ये? ये बार बार निकले जा रहा है, एक बार निकल गया था। ढीला हो गया, अब इसको चल रहा है, जारून चल रहा है, चल रहा है। पट्टे इसमें रखे, निकाल लगाएंगे। सलाम कर दे। जारून को तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। डायनासोर डायनासोर देखने जा रही है, ये बोल रही है। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं इंदौर, और अभी इंदौर पहुंचने के बाद भी हमारा घर करीब करीब 10 से 12 किलोमीटर दूर तो यहाँ से भी है, तो अभी हम पहुँचने वाले हैं, और सोचा थोड़ा सा आपको सिटी भी दिखा देते घूमते घूमते। ये अभी फ़िलहाल मेट्रो का काम चल रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है यार, पता नहीं कब कंप्लीट होगी, कब हमारा ख्वाब सच होंगे कि भाई हम इंदौर के लोग भी मेट्रो ट्रेन में बैठेंगे। कोई बात नहीं भाई, मुझे लगता है 2 साल तो और लगेंगे, उसके बाद ये कम्प्लीट हो जाएगा, फिर मेट्रो का भी अपन ब्लॉग बनाएंगे, और धीरे धीरे करके ये जो है हमारे पूरे सिटी में फैल जाएगी मेट्रो, स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है, तो लेट्स सी कब तक होता है काम। बाकी सरकारी काम है तो आपको पता ही है थोड़ा टाइम तो लगता है। 3 सरकारें बदल गई भाई जब से ये मेट्रो का काम हो रहा है, सरकारें बदल गई लेकिन काम कम्प्लीट नहीं हुआ है। वैसे 2 साल कोरोना की वजह से भी ख़राब हो गए, नहीं तो शायद अब तक ये काम कम्प्लीट हो चुका होता, लेट्स सी अब कब होता है भाई। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर, अब चलते हैं फटाफट अंदर। चलो 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 इसको उतार दो, मानिया घर पहुंच गए, अब उतर जाओ नीचे, नीचे उतर जाओ, घर पहुंच गए, चलो ऊपर चढ़ के सीढ़ियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओहो कौन आया ये, अब भी मिल गई आपको तो घर आते। फैजान कहीं गया है क्या? फैजान सोनू को लेके ग्रीन पार्क गया।
अच्छा, एक फूफो से अभी हम सावेर में मिल के आ रहे हैं और एक फूफो हमारे यहाँ बैठी। फूफो को तो नहीं दी यार, वो बच्चों को दे दी, मेरे फूफो को हमने कैसे दी, फूफो ने हमको दी। तो दोस्तों हम घर पहुंचे, उसके थोड़ी देर बाद ही बहुत तेज बारिश हुई, लाइट वाइट भी चली गई थी, इतनी तेज आंधी तूफान आया कि लाइट चली ही गई, और अब जाके लाइट आई है और मैं अब व्लॉग को एंड करने आ गया हूँ। वीडियो कैसा लगा ये भी बताना कमेंट करके, अच्छा लगे व्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और रमजान रूटीन के बाद के व्लॉग क्या आप देखना चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करके बताएं, आपके सपोर्ट से ही हम व्लॉग बना पाएंगे आगे, नहीं तो फिर आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो कैसे बनाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें, और बहुत सारे लोग हमारे बारे में बहुत सारे सवाल पूछते रहते हैं, तो हमारे पुराने व्लॉग्स आप देखें, आपको काफ़ी सवालों के आपके जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कई नए लोग हमारे चैनल पर आए और वो पूछते रहते हैं ये कौन है, वो कौन है, ये क्या है, तो हमने पुराने अपने व्लॉग्स में बहुत कुछ आपको बताया हुआ है हमारे बारे में, तो एक बार देखना ज़रूर, नहीं तो अगर आप चाहें तो मैं सबका इंट्रोडक्शन एक बार फिर से करवा दूंगा, जो जो लोग हमारे व्लॉग में आते हैं, हमारी फैमिली के भी और जो आउट ऑफ द फैमिली मतलब जो रिश्तेदार वगैरह है उन सबका भी एक बार और इंट्रोडक्शन करवा दूंगा आप बोलते हो तो इस बारे में भी कमेंट करके बताना। वैसे आप पुराने व्लॉग देखोगे तो आपको सब मालूम चल ही जाएगा, तो बताना वीडियो कैसा लगा ये भी बताना, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।